आज हम बात करने वाले हैं उस विदेशी के बारे में जिसको मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा आज तक प्यार किया है और सबसे ज्यादा याद किया है। वैसे तो पिकाचू है, उसको अब्बा बोल के बुलाते हैं, लेकिन तुम सफेद 444 बोल लो, व्हाइट 444 बोल लो, खरगोश 444 बोल लो, हैकर 444 बोल लो, या चूतिया बोल लो, इन शॉर्ट व्हाइट 444 एक ऐसा शख्स है जिसको लोग आज भी बहुत ज्यादा बहुत 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 ज्यादा अब्बा मानते हैं, गुरु मानते हैं, गॉड मानते हैं। जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो सारे के सारे हैं पिकाचू, क्योंकि जिनके अंदर 5-10% भी दिमाग था वो समझ चुके हैं। इतनी सारी एक्सपोज वीडियो देख के, इतने सारे प्रूफ देख के उनको पता लग गया है कि व्हाइट 444 चोर है, चोर था और चोर ही रहेगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अब चलो तुम्हारा तो ठीक है, लेकिन पिकाचुओं को ना समय के साथ साथ डोज देना पड़ता है ताकि वो कंट्रोल में रहे। तो देखो आज मैं फिर से आ गया वापस से डोज देने के लिए, तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। देखो वैसे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हम खरगोश के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं पूरे पूरे मीना सर्वर के बारे में, जितने वहां के महान महान शख्सियत है हर किसी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम वोटा FF से। अब देखो वोटा FF कौन है ये तुम लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता मैं वापस से बता देता हूं बहुत अच्छे से। वोटा FF जो है व्हाइट 444 का एक टाइम का बेस्ट फ्रेंड है, स्क्वाड मेट है, एक तरीके से तुम भाई बोल लो, क्योंकि दोनों के दोनों सेम सिटी से बिलोंग करते हैं। फिर कमाल की बात यह है कि वोटा FF मेरे पास सामने से आ गया भाई, सामने से मतलब समझ रहे हो, सामने से कंटेंट चलता हुआ मेरे पास आ गया। उसके बाद हमने बुलाया वोटा FF को पकड़ने के लिए, जिंदा पकड़ने के लिए कि आखिर ये बंदा यूज क्या करता है। एक एक चीज हमने इसके पीसी के अंदर चेक करा है, और तुम्हारे बैकग्राउंड में चल रहा होगा ये देखते जाओ तुम, चीट इंजन से लेके स्ट्रिंग वैल्यू से लेके एक एक चीज जो होता है पीसी, मतलब पूरी की पूरी छान मारी हमने जितनी चीजें हम कर सकते थे। 4-5 घंटे मेरे बर्बाद हुए ठीक है इस चीज के अंदर, लेकिन इस बीच बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें हुई। सबसे पहले मैं तुमको कमाल की एक चीज बताता हूँ ठीक है, ये सुनने के बाद तुम भी शॉक्ड हो जाओगे। तो याद होगा एक टाइम पे मैंने एक वीडियो में एक्सपोज करा था साइवलस को, साइवलस के बारे में सारी चीजें बताई थी मैंने, कि वो बंदा पैनल यूज कर रहा खुलेआम, किस तरीके की मॉन्टेज बना रहा, मतलब पूरा खतरनाक वाला एक्सपोज करा था साइवलस को। और तुमको कमाल की बात ये पता है कि उस वीडियो के बाद साइवलस को किक कर दिया गया पार्टनर प्रोग्राम से, ठीक चीज मेरे को खुद वोटा FF ने बताई भाई, लिटरली मतलब तुम समझ रहे हो जलवा है हमारा। प्रोग्राम की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे इंडिया वर्सेस मीना कर ही देते। और तुमको पता है वहां पे क्या है, लाइक मान लो कि मैं पार्टनर प्रोग्राम में हूँ ठीक है, मैंने किसी प्लेयर का पीसी चेक करा, उसके अंदर मेरे को कुछ फाइल्स मिलती है, पैनल मिल जाता है, कोई हैक मिल जाता है, तो वो मैं डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकता हूँ, मतलब उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी मैं अगर भेजू मॉड्स को विथ UID जिसकी पीसी हमने चेक करी है, भाई उस बंदे को बैन मिल सकता है, तो एक रिप्लाई तक नहीं करते भाई, मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं तुमको यहाँ भाई एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, जो कि जानना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो अगर तुम लोगों को पीसी का नॉलेज है, तुम लोग पीसी प्लेयर हो, तो तुम लोगों को एक चीज पता होगी रिजिडेट। इंडिया में क्या है कि बहुत सारे यूट्यूबर मैंने देखे जाहिल गवार बोलते हैं रिजिडेट फेयर है, लेकिन तुम यहाँ पे खुद वोटा के मुंह से सुनो कि मीना सर्वर में रिजिडेट को क्या मानते हैं। So what I basically want to ask you, you must have heard about Regedit. So is it fair or unfair in your server? Like it is legit or not? For sure, it's unfair. There is two types of Regedit. There is a new Regedit, you can buy it. Yeah. Tell me one thing, if any player caught using this paid Regedit and all, with proof, so mods can ban them if you guys, the guy who are in partner program, complain about them. Reported this he must get reported from the big YouTubers or big creators, you know, then he will get banned. And with mostly he will get banned if they see. लोगों को नहीं समझ में आया इंग्लिश, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। देखो वोटा ने ये बोला रिजिडिट अनफेयर है, और ये यूज करते हुए कोई भी प्लेयर पकड़ाता है तो उसके आईडी को बैन भी मिल सकता है। तो यहाँ के मेरे प्यारे जाहिल गवार यूट्यूबर, जो चीज तुम यूज करते हो उसको फेयर बताना, इसको बंद कर दो बे, शर्म कर लो थोड़ा सा। न आन का पता न ज्ञान का, बकलोली पूरे ब्रह्मांड का। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तुमको पता है जब हम चेक कर रहे थे वोटा का पीसी, उस टाइम मेरा ध्यान सिर्फ पीसी चेक पे नहीं था, मैंने बहुत सारी चीजें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लिए वोटा FF से, क्योंकि वोटा एक ऐसा बंदा है जो कि मीना सर्वर में हर एक प्लेयर से कनेक्टेड है। तुम समझ रहे हो BNL का सबसे अच्छा दोस्त है ये, व्हाइट 444 का बेस्ट फ्रेंड रह चुका है ये बंदा, रूओक से कॉन्टेक्ट में, हर किसी के साथ कॉन्टेक्ट में, तो तुम समझ रहे हो मेरे लिए कितना ज्यादा यूजफुल एसेट है। तो सबसे पहले तो मैंने इससे बात करा व्हाइट 444 को लेके, क्योंकि भाई होता है ना कि आखिर उससे अच्छा तो मैं भी
नहीं बता सकता हैकर है या नहीं। तो वोटा से जब मैंने बात करा, वोटा ने भी यही चीज बोला, वहां पे कोई भी जो मेजर ऑफिशियल टूर्नामेंट होते हैं, पीसी टूर्नामेंट होते हैं, उसके अंदर वाइट ट्रिपल फोर को एंट्री नहीं मिलती है भाई। वेल डन भाई लोग, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा प्लीज लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके एक सब्सक्राइब एंड लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज कर दो। दूसरी तरफ वहां के भी यूट्यूबर्स उसको एक्सपोज कर रखे हैं कि वो बंदा हैकर है। और एक और कमाल की फैक्ट जो कि मैंने बहुत पहले भी बताया था, वापस से बता दे रहा हूं कि मीना सर्वर के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं इसको। जो सपोर्ट है इसको इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल से मिलती है वाइट ट्रिपल फोर को। मतलब सबसे ज्यादा व्यूअर्स और सब्सक्राइबर इसके यहीं से है। सहलेंगे थोड़ा सा। देखो पर्सनली मैं बताऊं तो वोटा एफएफ मेरे को बहुत अच्छा बंदा लगा, लेकिन कुछ एबनॉर्मल चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये चीजें तुमको भी जाननी चाहिए। जैसे कि तुम देखो वोटा एफएफ का क्या सीन है कि इसका गेम प्ले मैंने वीडियो में देखा, बहुत नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। और जो गेम प्ले रियल गेम प्ले होता है, जो सामने सामने देखा जाता है, वो तुम्हारी स्क्रीन के सामने है, तुम देखो और तुम खुद जज करो अगर वोटा की वीडियो को तुम देखते होगे। एक और एबनॉर्मल चीज इसके अंदर सबसे खतरनाक मिली, जो इसका वाई होता है, तुम लोगों को अगर पीसी का नॉलेज होगा तो इसका जो एक्स एक्सिस था वो बहुत ज्यादा था, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा, और वाई एक्सिस इतना कम कि मतलब तुम सोच ही नहीं सकते हो। और उस पे इस लेवल का ये ड्रैग मारता है, मतलब कुछ हजम नहीं हुआ। वैसे तो देखो इसके पीसी के अंदर कुछ भी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट हमने जितनी चीजें चेक करनी थी कर ली, और कुछ होता तो पकड़ा जाता और तुम्हारे सामने सारी चीजें होती। लेकिन फेयर है और बंदा बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए, क्योंकि इन फ्यूचर जो है इसके थ्रू मैं रोक तक जाऊंगा, वाइट ट्रिपल फोर तक जाऊंगा और साथ ही साथ बीएनएल तक जाऊंगा। तो बस फिर समझ जाओ बहुत मजा आने वाला है अभी। तो तुम लोगों को इस वीडियो में बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें मालूम चली, और ये सारा यहीं पे खत्म नहीं होता, इसका पार्ट टू बहुत जल्द आएगा। अब देखो ये सिर्फ एक शुरुआत थी, मीना सर्वर में हम वापस से घुस चुके हैं, और मीना सर्वर में जब वापस से हम घुस चुके हैं तो मजा आएगा बहुत ज्यादा भयंकर वाला। तो बस फिर क्या, जश्न की तैयारी कर लो, अब हम बजाते रहेंगे टन 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 टा।